फ्रेंड वेलकम टू सुपंच स्टडी चैनल। आज के डाउट क्लियरेंस पार्ट 5 में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आज के इस वीडियो में आप लोग का जो डाउट है बहुत सारे कैंडिडेट का वो डाउट है फेक सर्टिफिकेट को लेकर। LRC बिहार में ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं आया। वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस कब तक होगा इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी रहता है। PRD बिहार में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंडेड को लेकर डाउट है आप लोग का। रेस्ट सीट का क्या होगा इसके रिगार्डिंग डाउट है। वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस कब तक होगा मतलब उसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप लोग का वो इस वीडियो के माध्यम से कवर अप करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए आप लोग का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप लोग का जो भी डाउट क्लियरेंस का जो वीडियो है इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग विजिट कर सकते हैं। उसमें आप लोग का डाउट क्लियरेंस का पार्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग का सारे पार्ट मिल जाएंगे। जो भी डाउट रहता है आप लोग का इस डाउट क्लियरेंस वाले पार्ट में आप लोग का पूरा किया जाता है। तो जो भी कोई डाउट हो तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आप लोग का जो भी डाउट रहेगा उसको अगले पार्ट में क्लियर किया जाएगा। तो जैसा कि देख रहे हैं सबसे पहला जो डाउट है आप लोग का फेक सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट फेक हैं। तो बताना चाहेंगे जो भी सर्टिफिकेट जांच हुआ था आप लोग का काउंसलिंग के समय वही सर्टिफिकेट जो है आप लोग का फेक है या नहीं है इसके लिए कॉलेज भेजा जाएगा। सभी सर्टिफिकेट को सभी का क्वेरी जाएगा कॉलेज में और जो भी जैसे कि कानूनगो वाले हो गए उनका जो है आप लोग का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाए हुए थे वो भी आप लोग का जांच होने के लिए जाएगा। यदि वो गलत पाया गया तो उस पर FIR भी होगा और उनका सैलरी फिक्स नहीं होगा। उनको हो सकता है ट्रेनिंग पीरियड में भी ये सारे जांच प्रोसेस चले। तो जब तक आप लोग का जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक आप लोग का जो है सैलरी मेन फिक्स नहीं होगा। जैसे कि PRD बिहार में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर हुई थी, आप लोग को बहुत सारे कैंडिडेट को मालूम भी होगा कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है फेक कैंडिडेट पकड़ा है जिस पर FIR हो गया था, बाद में पेनल्टी भी देना पड़ा उन कैंडिडेट को। तो ऐसा काम नहीं करें क्योंकि फेक सर्टिफिकेट वाले का जो भी डाउट है आप लोग का वो क्लियर हो गया होगा। उन सभी कैंडिडेट को निकाला जाएगा, आप लोग का जो भी वेटिंग लिस्ट में हो उनको क्लियर किया जाएगा। आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लें फेक सर्टिफिकेट को लेकर, ये डिपार्टमेंट का काम है। और मेनली जो बात हो रहा है अभी ज्वाइनिंग लेटर को लेकर, तो ज्वाइनिंग लेटर के रिगार्डिंग बताना चाहेंगे चार पोस्ट पे आप लोग का ज्वाइनिंग लिस्ट रिलीज कर दी गई जिसमें से तीन पोस्ट पे आप लोग की ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, जिसमें हाल फिलहाल में ही आप लोग का कल परसों ASO का जो है ज्वाइनिंग लेटर सभी कैंडिडेट को दिया गया है। और अब SSA की बारी है, तो SSA की ज्वाइनिंग लेटर जो है इसी वीक हो सकता है। तो आप लोग का शनिवार तक आप लोग का सभी जो है लेटर जारी कर दिया जाए सभी के मेल के थ्रू और मोबाइल नंबर के थ्रू। आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हुए थे कि 31 तारीख को हो सकता है, वहां से जो लीक आ रहा था कि आप लोग का जो है ज्वाइनिंग लेटर 31 तारीख तक 31 तारीख को जो है 31 मार्च को आप लोग का रिलीज कर दिया जाए SSA का। बट अभी देख रहे हैं कि अभी तक किसी भी कैंडिडेट का नहीं आया है, तो हो सकता है आप लोग का इस वीक में सभी कैंडिडेट का आ जाएगा क्योंकि ASO के पोस्ट पर जो है आप लोग का आज भी ज्वाइनिंग लेटर रिलीज किया गया है बहुत सारे कैंडिडेट का जो जिनका भी रेस्ट रह गया था। तो हो सकता है कि आप लोग का आज तक ASO का टाइम हो, तो नेक्स्ट जो टाइम आने वाला है अप्रैल का मंथ में उन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर रिलीज किया जाएगा SSA में। और बची बात अमीन की, तो अमीन का भी काउंसलिंग हो सकता है, काउंसलिंग करवाए 14 तारीख के बाद क्योंकि 14 तारीख तक आप सभी को पता ही होगा लॉकडाउन चल रहा है, तो उसके बाद ही आप लोग का कुछ प्रक्रिया स्टार्ट होगी। और यदि बात करें डॉट वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस को लेकर, वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर कर दिया जाएगा, तो सभी जितने भी पोस्ट है ASO हो गए, SSK हो गए, SSC हो गए या SSA हो गए, सभी में कुछ ना कुछ सीट बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइनिंग नहीं ले पाएंगे कुछ कारणों की वजह से, देन वो सीट खाली बच जाएगा। तो उनका वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगा तो आप लोग को बताना चाहेंगे, जो भी 30-40% सीट जो है आप लोग का टोटल सीट में से 30-40% सीट लेकर चले कि खाली जाएगा, तो उस सीट के में जो भी कैंडिडेट आप लोग आ रहे हैं वो श्योर समझे आप लोग का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा। तो वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस की यदि बात की जाए तो फर्स्ट ज्वाइनिंग लेटर जो है फर्स्ट ज्वाइनिंग लिस्ट को जो है पहले जो है ज्वाइनिंग दिया जाएगा जब भी क्लियर किया जाएगा। मान लीजिए सभी को ज्वाइनिंग जो है 14 तारीख के बाद एक हफ्ता में करवाता है तो 14 से 22 तक ज्वाइनिंग होगी वन वीक के टाइम में, 21-22 तक आप लोग का, तो उस समय जो है आप लोग का 21 तक ज्वाइनिंग हुई तो लेकर चलिए ट्रेनिंग चल रहा होगा आप लोग का 21 तक ज्वाइनिंग लिए, 21 को लास्ट डेट हुआ, देन आप लोग का जो है
नहीं नहीं तो फिर दो जो भी सीट खाली बचा उसको एक वीक लग जाएगा क्वेरी करने में कितनी सीट कहाँ पे खाली बच गए हैं, क्योंकि एसएससी का जो है मेनली आप लोग का सभी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग होगा, तो डिस्ट्रिक्ट से निकलवाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोग का एक वीक में सभी का आ जाएगा कितना सीट कहाँ पर खाली है। तो सब सीट आने के बाद जो है आप लोग का कम से कम एक दो हफ्ता उसके बाद लेकर चलिए, तो मिला जुला कर वन मंथ का समय लेकर चलिए। जिस दिन ज्वाइनिंग फर्स्ट लिस्ट का हुआ उसके एक मंथ बाद जो है वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस होगा। तो वेटिंग लिस्ट में जो भी कैंडिडेट 30-40% जो आप लोग का कैलकुलेशन बता रखे हैं इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा LRC बिहार में ही वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस को लेकर, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं आपका क्लियर इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप लोग श्योर हो जाएं कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं PRD बिहार को लेकर। जो आप लोग को बताना चाहेंगे कल के डेट में एक कॉन्ट्रैक्ट प्रधान सचिव के पास से आप लोग का लेटर आया हुआ था पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से कि कॉन्ट्रैक्ट जो है आप लोग का एक्सटेंडेड कर दिया गया है 1 ईयर के लिए, और उनसे बात हुई कि रेस्ट जो सीट बच गए हैं 2096 पोस्ट में से करीब करीब 1600 के करीब जो है ज्वाइनिंग करवाया गया है, और जो भी रेस्ट सीट बच गए हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में या चाहे वेटिंग वाले कैंडिडेट हो चाहे उसी ज्वाइनिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हो, तो उनका क्या होगा। तो उन्होंने बताया कि ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, इनका ज्वाइनिंग जल्द ही करवाएंगे क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो है आप लोग का टाइम लग गया इस मंथ के में, क्योंकि इन लोग का जो है प्रोग्राम था कि इस मंथ के लास्ट तक जो है सभी डिस्ट्रिक्ट में पूरी कर ली जाए ज्वाइनिंग 2096 पोस्ट पर, बट जो आप लोग का ये जो कंडीशन है इस समय आप लोग का नहीं करवा पाए, वो प्रधान सचिव जी के पास जो है आप लोग का पूरा ब्यौरा है आप लोग का किस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट खाली हैं, तो वो कहें कि आप लोग का जब भी लॉकडाउन खुलता है उसके बाद जो है रेस्ट सीट को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। तो देखिए क्या होता है, अभी तो ये लोग मौखिक ही बोल रहे हैं, आप लोग का फ्यूचर में क्या होता है, क्योंकि जो आप लोग का 6 दिसंबर का जो पटना हाईकोर्ट का डिसीजन था उसके बाद देखिए 3 महीना का समय हो चुका है, और 3 महीने में ये लोग पूरी ज्वाइनिंग भी नहीं करवा पाए, तो ये देखिए अब क्या होता है। वेटिंग लिस्ट क्लियरेंस को लेकर बताना चाहेंगे तो आप लोग का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, आप लोग इंतज़ार करिए, क्योंकि बहुत सारे जो है 400 सीट कम नहीं होते 2096 में से, ये 400 सीट में से जो है आप लोग का ज्वाइनिंग होगा ही होगा। और आइए टॉप पिकअप कमेंट जो है आप लोग का, मेनली जो है SSA के ज्वाइनिंग के लेकर जो है आप लोग का बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है SSA का ज्वाइनिंग, तो बता दिए हैं SSA का ज्वाइनिंग कब होगा, BTSC JEE का मेरिट लिस्ट कब तक आएगा इसके रिगार्डिंग इनका कहना है। तो बताना चाहेंगे अभी 14 तारीख तक तो आप लोग का लॉकडाउन है, इसके बाद यदि डेट एक्सटेंडेड नहीं होता है लॉकडाउन का तो एक वीक के बाद ही आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, काउंसलिंग लिस्ट कहें, उसके बाद आप लोग का काउंसलिंग डेट दिया जाएगा, तो हो सकता है आप लोग का मई तक काउंसलिंग डेट जाए, तो मई तक लेकर चलिए आप। और वेटिंग वाला PRD का ज्वाइनिंग कब तक होगा तो बताना चाहेंगे, लिस्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ है भाई, जब भी होगा आप लोग को बता दिया जाएगा, आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में जाकर पूछें, और अभी तो लॉकडाउन है सभी ऑफिसेस भी बंद है, तो जब भी आप लोग का ऑफिस खुलेगा आप लोग DPRO सर से पूछिए कब तक आप लोग का वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा PRD का। और जैसा कि देख रहे हैं इनका कहना है, सर मेरा रिवाइज्ड लिस्ट में 1980 वाले में नाम है तो कन्फर्म ज्वाइनिंग है कि नहीं, तो बताना चाहेंगे 1980 जो है कैटेगरी आप लोग का जनरल है, UR वाला अनरिजर्व कैटेगरी है, इनका कहना है SSA वाले में तो आप लोग का ज्वाइनिंग होगा 1980 में, जो भी है ये फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट है, इसमें जिनका भी नाम है उन सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग होगा, आप लोग श्योर रहें। कोई भी अपडेट आता है LRC PRD BTSC JEE आप लोग का कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से आता है बिहार का तो आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।